हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स कंप्यूटर। मेरा नाम है समनाथ दीपनाथ और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेब डिजाइनिंग का एपिसोड नंबर 27। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक इमेज रख सकते हो अपने वेब पेज में, जो कि उसका लोकेशन आप अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी रख सकते हो। बस आपको उसका लोकेशन डालना है और आपका काम हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि पहले हम कभी भी कोई भी इमेज अपने वेबसाइट में रखते थे तो हमें उस इमेज को जो फाइल है मेन, जैसे कि मैंने ये फाइल बनाया है sam.html, तो उस फाइल के पास में ही हमें वो इमेज को रखना रहता था। पर अभी हम ऐसा देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये फाइल तो यहाँ है, पर हमारी अगर कोई इमेज कोई अलग फोल्डर में हो, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे ई ड्राइव में या फिर मैं इसके अंदर वॉलपेपर जो है उसके अंदर इनमें से कोई भी एक इमेज, फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली तो मैं यही बोल रहा था कि आपको कोई भी इमेज कहीं से भी यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो आपके कंप्यूटर में। तो इमेज टैग हम सिंपली दे देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे src इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहीं पे हम अपना जो जो लिंक है और जो इमेज का नाम है वो लिखने वाला है। तो उससे पहले हम हाइट की पिक्सल दे देंगे, हम दे देते 50%। आप परसेंटेज की जगह px भी लिख सकते हो, px ऐसे, पर मैं जनरली 50% का यूज़ करता हूँ। उसके बाद लिख दूंगा विड्थ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देते हैं 60%। ओके, यहाँ पे इमेज टैग मैंने क्लोज कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे एक इमेज डालनी है, तो ये जो फाइल है मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। अब मैं एक्सेस करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज, हाँ ये इमेज मैं एक्सेस करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो ये फाइल जो मैं वॉलपेपर में आया हूँ उसका मुझे लिंक चाहिए होगा। तो लिंक मुझे यहाँ से मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे। इसे मैं करूँगा कॉपी और फिर इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। उसके बाद स्लैश का सिंबल देना है और फिर यहाँ से जो भी इमेज, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया था, इसे करेंगे हम रीनेम, थोड़ा कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने पूरे इमेज को कॉपी और पेस्ट कर दिया है। तो जहाँ पे हमारी फाइल है इधर, इसे हम रन करते हैं, तो देखिए इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। हमने फाइल को यहाँ नहीं रखा, इमेज को यहाँ नहीं रखा, फिर भी ये इमेज डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमने उसका पाथ सेट कर लिया, हमने ई ड्राइव वॉलपेपर से उसको उठाया है, जो इमेज है उसको वहाँ से लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 28 में। तब तक के लिए सैम साइनिंग ऑफ।